दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वर्जीनिया वुल्फ की लिखी हुई एक नोवेल टू द लाइट हाउस। दोस्तों ये और मिसेस डेलोवे, वर्जीनिया वुल्फ की बहुत ही फेमस नोवेल्स, दो बहुत ही फेमस नोवेल्स है, एक ऑरलैंडो भी है बहुत ही फेमस। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस नोवेल को एक अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी मॉडर्न लाइब्रेरी ने 20th सेंचुरी में लिखी गई 100 बेस्ट नोवेल्स में 15th रैंक दी थी, 15th या 16th रैंक दी थी। बहुत ही फेमस नोवेल है। इसको 1926 में लिखा गया था लंदन में, 1927 में इसको पब्लिश करवाया गया था। जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त मॉडर्निस्ट पीरियड चल रहा था। इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में लिखा गया है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रखा गया है। इसकी सेटिंग रखी गई है 1910 से 20 के बीच में स्कॉटलैंड में। और दोस्तों एक बात और कि इस नोवेल का प्लॉट बहुत हद तक खुद वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ से मिलता जुलता है। इसके अलावा दोस्तों इस नोवेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले द विंडो, दूसरा टाइम पासिस और तीसरा थर्ड पार्ट है द लाइट हाउस। दोस्तों ये सब हो गए इसके की फैक्ट्स। अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस नोवेल की कोई खास स्टोरी नहीं है। इसके अंदर एक फैमिली है, पार्ट फर्स्ट के अंदर वो एक समर हाउस में अपनी एक समर हाउस में छुट्टियां मनाने जाती है। पार्ट सेकंड बहुत ही छोटा है, इसके अंदर 10 साल गुजर जाते हैं। इस बीच 10 साल गुजर जाते हैं और इस फैमिली के कुछ मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है। पार्ट थर्ड में उस फैमिली के बचे हुए मेंबर्स वापस से उसी समर हाउस में छुट्टियां मनाने जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टोरी के अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो इमोशंस और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें बहुत खास बात है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने से ठीक पहले से। स्कॉटलैंड में एक जगह है हैब्रिडीज नाम की, वहाँ पर ये रैमसे फैमिली, एक फैमिली है रैमसे फैमिली, वो अपने समर हाउस में छुट्टियाँ मनाने के लिए आई है। मिस्टर एंड मिसेस रैमसे, इनके 8 बच्चे हैं और ये पूरी फैमिली यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई है। इनके घर के पास में, समर हाउस के पास में एक बड़ा सा लाइट हाउस बना हुआ है। तो मिस्टर एंड मिसेस रैमसे का सबसे छोटा बेटा है जेम्स, इनके सारे 8 बच्चों के अंदर सबसे छोटा बेटा है जेम्स। ये अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि मुझे लाइट हाउस जाना है। तो मिसेस रैमसे अपने बेटे को समझाती है कि कल अगर मौसम साफ हुआ तो हम लोग लाइट हाउस ज़रूर घूमने जाएंगे। जेम्स ये सुनकर के बड़ा खुश हो गया, लेकिन इसके फादर मिस्टर रैमसे बोले कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लगता नहीं है सही होगा और हम लोग लाइट हाउस जा सकेंगे। तो इस जेम्स को अपने फादर पे बड़ा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि इसके फादर को मज़ा आता है हम सब भाई बहनों को, मतलब बच्चों को परेशान करने में। अब दोस्तों ये फैमिली अकेली नहीं है इस समर हाउस में, बल्कि इनके कुछ गेस्ट वगैरह भी इनके साथ में रह रहे हैं, कुछ बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कुछ जान पहचान के हैं इनके साथ में रह रहे हैं, जिसमें से एक बंदे का नाम है चार्ल्स टेंसली। ये बंदा मिस्टर रैमसे का स्टूडेंट है और इनके साथ में रह रहा है यहाँ पर इस समर हाउस में। ये मिस्टर रैमसे की तारीफ़ करता है मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़ी में, मिस्टर रैमसे को मेटाफिज़िकल फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है तो उनकी तारीफ़ करता है ये बंदा, स्टूडेंट है ना इसलिए। लेकिन इस बंदे का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा है, तो बहुत ही कम लोग इसको पसंद करते हैं इस घर में। दूसरी एक लिली नाम की लड़की इनके साथ में रह रही है, जो कि एक पेंटर है और मिसेज रैमसे की ये पेंटिंग बना रही है। ये लड़की लिली जो है ये मिसेज रैमसे की पेंटिंग बना रही है। अब ये मिसेज रैमसे चाहती है कि लिली इनके एक फैमिली फ्रेंड विलियम बैंक्स से शादी कर ले। विलियम बैंक्स इन्हीं के साथ में रहता है, ये भी यहीं पे रह रहा है बंदा, इनका फैमिली फ्रेंड है, पुराना ओल्ड फैमिली फ्रेंड है। तो मिसेज रैमसे चाहती है कि लिली विलियम बैंक्स से शादी कर ले, लेकिन ये पेंटर लिली अकेले ही रहना चाहती है। ये मना कर देती है मिसेज रैमसे को कि मैं शादी अभी नहीं करना चाहती। और भी कुछ गेस्ट रह रहे हैं इनके साथ में, जिनमें से एक पॉल है, एक मिंटा। तो ये दोनों, मिसेज रैमसे चाहती है कि ये दोनों भी आपस में शादी कर लें। एक दोपहर इस पॉल ने इस मिंटा को प्रपोज भी कर दिया। वहाँ ये लिली लॉन में बैठी अपनी पेंटिंग बना रही थी, वहाँ मिसेज रैमसे अपने बेटे जेम्स को मना रही थी, क्योंकि जेम्स जिद करके बैठा था कि इसको लाइट हाउस जाना है। वहीं मिस्टर रैमसे को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इनके अंदर जो कमियाँ हैं उनको लेकर के इनको गुस्सा आ रहा था, जो इनको फिलोसोफर बनने से रोक रही थी, एक फिलोसोफर बनने से रोक रही थी। अब शाम हुई, डिनर का टाइम हो गया, पॉल और मिंटा आपस में वॉक करने गए थे मिस्टर एंड मिसेज रैमसे के दो बच्चों को लेकर के अपने साथ में, तो ये वॉक करने गए थे। वहाँ इस पेंटर लिली को चार्ल्स टेंसली पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसने लिली को कहा कि औरतों का काम पेंटिंग बनाना और राइटिंग का नहीं है, मतलब औरतें ना तो अच्छी पेंटिंग बना सकती है ना कुछ अच्छा लिख सकती हैं।
तो शाम को डिनर के दौरान ऐसे ही छोटी छोटी बातें हो रही थी। अब डिनर पार्टी के बाद में मिसेज रैम से अपने गेस्ट्स को, सारे मेहमानों को डाइनिंग रूम में छोड़ करके वहाँ से चली गई और अकेली बैठ करके साइड में अकेली बैठ करके अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी। तभी इसके पास इसका हस्बैंड मिस्टर रैम से आता है और दोनों हस्बैंड वाइफ शांति से बैठ करके, एक दूसरे के साथ बैठ करके शांति से बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ। अब दोस्तों एक बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, अब बता रहा हूँ। मिस्टर एंड मिसेज रैमसे के बीच में ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मिस्टर रैमसे तो एक निराशावादी आदमी है लेकिन इनकी वाइफ बड़ी रियलिस्टिक है। अब मिस्टर रैमसे की ये इच्छा है कि इनकी वाइफ इनको आई लव यू बोले, मतलब अपने जो लव है उसको एक्सप्रेस करे। तो वो डायरेक्टली तो अपने हस्बैंड को आई लव यू नहीं बोलती, लेकिन वो घुमा फिरा कर उनको बोल करके चली जाती है। अब रात ढल गई, ऐसे ही बहुत सारा टाइम गुजर गया। नोवल थोड़ा आगे जाती है, बहुत वक्त तक आगे चली जाती है नोवल। पूरे यूरोप में लड़ाई हो रही थी, वॉर छिड़ी हुई थी, पर एक दिन अचानक रात में मिसेज रैमसे की डेथ हो जाती है। जबकि मिस्टर एंड मिसेज रैमसे का सबसे बड़ा बेटा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ते हुए मारा जाता है। जबकि मिस्टर एंड मिसेज रैमसे की एक बेटी प्योर एक बच्चे को जन्म देते देते वो भी मर जाती है। तो तीन मेंबर्स की इस फैमिली में डेथ हो जाती है। तो इसी के चलते रैमसे फैमिली कुछ सालों तक उस समर हाउस में वैकेशंस मनाने नहीं जाती। ऐसे ही दोस्तों 10 साल गुजर जाते हैं और उस समर हाउस के अंदर जाले लग जाते हैं। उस हाउस कीपर थी ना, उस हाउस की हाउस कीपर मिसेज मैकनैब, वो लेडी ने भी उस समर हाउस की केयर करना छोड़ दिया था। उन्होंने उस समर हाउस में ध्यान देना छोड़ दिया था। अचानक से इस मैकनैब को खबर मिलती है कि रैमसे फैमिली फिर से 10 सालों के बाद में इस समर हाउस में छुट्टियां मनाने आ रही है। तो मिसेज मैकनैब क्या करती है, दूसरी औरतों के साथ मिलकर इस घर को फिर से सेट कर देती है। अब रैमसे फैमिली में जितने भी बच्चे कुछ मेंबर्स हैं वो वापस आकर के इस समर हाउस में रहते हैं। इसमें से ये जो पेंटर लिली थी ये भी वापस आकर के इस समर हाउस में रहने लगती है। अब दोस्तों थर्ड पार्ट में वापस से इनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। जो 10 साल इतनी तेज़ी से गुजर गए इनके लाइफ के, वो वापस से स्लो हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे टाइम चल रहा था, टाइम वैसे ही चल रहा है इस पार्ट में भी। मिस्टर रैमसे का स्वभाव अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक बदल चुका है। ये वापस से इस समर हाउस में रहने आए हैं अपने बेटे जेम्स और अपनी बेटी कैम के साथ में। और मिस्टर रैमसे अपने बच्चों से बोलते हैं, जेम्स और अपनी बेटी से बोलते हैं कि हम लोग लाइट हाउस में घूमने जाएंगे। मिस्टर रैमसे का नेचर दोस्तों इतना चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इनको अपनी वाइफ के जाने के बाद में कोई ऐसा नहीं मिला जो इनको इतना अच्छे से समझ सके। मतलब इनकी वाइफ इनको बहुत ही अच्छे से समझती थी और ना ही ये कोई अच्छे खासे फिलोसोफर बन सके। तो अब ये लिली गार्डन में बैठी अपनी पेंटिंग बना रही थी और ये पूरी फैमिली चल दी लाइट हाउस घूमने। ये पेंटर लिली लास्ट टाइम जब इस समर हाउस में छुट्टियां मनाने आई थी तो अपनी पेंटिंग को पूरा नहीं कर सकी थी। इस बार वो लॉन में बैठ करके अपने काम को पूरा करना चाहती है। वहाँ मिस्टर रैमसे के दोनों बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके फादर उनसे लाइट हाउस में जाने की इतनी ज़िद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जेम्स को अब लाइट हाउस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने फादर के साथ में जाते हैं। जेम्स नाव चलाता है और फाइनली ये लोग लाइट हाउस में पहुंचते हैं। जेम्स के फादर मिस्टर रैमसे जेम्स की तारीफ़ करते हैं कि बेटा बहुत अच्छी नाव चलाई तुमने। ये सुनने के बाद जेम्स पहली बार अपने फादर से कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि इससे पहले तो जेम्स ने कभी भी अपने फादर को देखा था तो बुरे स्वभाव के लिए ही वो नफरत करता था अपने फादर से। मिस्टर रैमसे को ये लगता है कि आज उन्होंने जेम्स को यहाँ पर लाकर अपनी वाइफ मिसेज रैमसे की इच्छा पूरी कर दी। वहाँ गार्डन में लिली अपनी पेंटिंग बना रही थी, फाइनली उसने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली और वो बड़ी खुश होती है कि आज उसने अपना सपना पूरा कर लिया। और दोस्तों इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है।